अल्लाह बेनियाज है, उसको ना हमारी इबादत की परवाह ना हमारी इबादत की जरूरत। हमारे यहां जब दौलत आती है, इज्जत आती है, शोहरत आती है, इस तरह का कोई स्टेटस हमें मिलता है तो हम गाफिल हो जाते हैं। उसने फलां कंपनी का सूट पहना है तो मैं से महंगा सूट पहनूंगा। जब इंसान कंपटीशन में आता है ना तो ये भूल जाता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और यही कंपटीशन अगर नेकियों में आए तो क्या बात है मदीने की। 1200 दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं इंशाल्लाह 12000 दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। ये अगर 10 मस्जिदें बनाता है तो मैं इंशाल्लाह ताला 1000 मस्जिदें बनाऊंगा। लोगों को दिखाने के लिए करने का तो फिर फायदा कुछ भी नहीं। हम बचपन से कहते सुनते आ रहे हैं सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले, और वाकई सीधे हाथ से देते उल्टे हाथ को पता नहीं चलता, बाकी पूरे मोहल्ले को पता है। मस्जिद का एक एक नमाजी जानता है कि हीटर किसने लगा कर दिया था, सारे जानते हैं, पूरा मेला जानता है। उल्टे हाथ को नहीं पता चला किसने दिया था, बाकी सबको पता है। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि या तो लोगों को पता चले कि मैंने मस्जिद बनाई है। याद आती है कोई ऐसी नेकी कि जो हमने की है और हमारे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।